ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। और यहां पर आपको खबर दें, लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन के तयारे से परिंदा टकरा गया। तयारे से परिंदा टकराने के बाद पायलट ने तयारा वापस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया। जहाज़ में 350 के करीब मुसाफिर सवार थे। वाक़े के बाद तुर्की एयरलाइन ने मुसाफिरों को घर जाने का मशवरा दिया, जिस पर मुसाफिरों ने लाउंज में शदीद एहतजाज किया और होटल में रिहाइश देने का मुतालबा किया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए ASF के नफरी को भी तलब कर लिया। आपको बताएं, जहाज़ में सवार एक मुसाफिर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि परिंदा टकराए जाने के बाद हमारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई। मुसाफिर ने बताया कि एयरलाइन के मुसाफिरों ने PCR टेस्ट पर हज़ारों रुपए खर्च किए। कई मुसाफिरों के PCR टेस्ट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। लोगों के टिकट और वीज़े कैंसिल हो रहे हैं और एयरलाइन हुकाम घर जाने का कह रहे हैं। मुसाफिर का मज़ीद कहना था कि एयरलाइन हुकाम आइंदा की फ़्लाइट का शेड्यूल भी नहीं दे रहे।